पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली फार चांगलं काम सुरू आहे असं मत केंद्रीय राज्यमंत्री तथा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी व्यक्त केलं. कुडाळ इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष विशाल चोरडिया, लघु उद्योग विकास महामंडळाचे अध्यक्ष शिवाजी दौंड, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते. उद्देश्य उतना ही है, लोगों के हाथों में रोजगार मिले, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में ये जिला अग्रसर है. पीएमईजीपी का टारगेट भी पूरा किया है. मैं पालक मंत्री सहित कलेक्टर की पूरी टीम को इसलिए नहीं कि ये ब्यूरोक्रेट्स, इसलिए कि इन्होंने अच्छे काम किया. जो अच्छा करे उसको धन्यवाद देना चाहिए. और मैंने अधिकारियों से कहा है एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो. अगर मंत्री अकाउंटेबल है, इलेक्टेड मेंबर है, इसलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके चुनाव होते हैं. सरकार की अकाउंटेबिलिटी उसकी परफॉर्मेंस है. जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट, वो भी अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें. डंडे की चोट पर नहीं, आत्मा की आवाज पर. अगर आत्मा की आवाज पर नहीं खड़े उतरे तब फिर कानून की आत्मा देखा जाएगा. अभी मैं प्रथम चरण में यही आग्रह किया हूं और यही मेरे पास है. वैसे मेरे विभाग के लिए अगर आप पूछेंगे तो हम पहली बार भारत सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए. हम 1 करोड़ रुपए तक कोलेट्रल फ्री ऋण दिलाने का काम करते थे. अब मैंने 2 करोड़ कर दिया और अब तक 2,500 करोड़ था कार्पस फंड, जिसको सीधे हमने 7,500 करोड़ किया. क्योंकि जब बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो वो मांगते हैं बंधक के लिए, मॉर्गेज के लिए. वो हम युवाओं के लिए इस काम को किया. उससे भी एक और कदम, पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा, कोई उद्यमी कहीं उद्योग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाता, डीआईसी ऑफिस जाता था, उसके कई पहलू होते थे, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. अब सेल्फ डिक्लेरेशन पे रजिस्ट्रेशन उद्योग उद्यमियों के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम के तहत ये पूरे दुनिया में हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है. ऐसा ईज बिजनेस में कहीं अभी तक नहीं हुआ. और प्रधानमंत्री ने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट भी, मेक इन इंडिया भी, हम कई कार्यक्रम चलाते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं, अपग्रेडेशन के लिए भी पैसे देते हैं. मेरा काम है उद्यमियों को सपोर्ट करना और सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्लस्टर में, स्फूर्ति के रूप में और कॉमन फैसिलिटी सेंटर में. हम 15 करोड़ तक का वहां के उद्यमियों के लिए, जैसा आपको कह रहे थे, हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर देते हैं.